ठीक है, हमारे गेम का नाम है दचका, ठीक है। इस गेम में अभी आप लोगों का खेलो इंडिया, उसके बाद नेचुरल गेम और तीसरा चीज़ स्कूल गेम, तीनों का एज कैटेगरी अलग अलग है, हर एज कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग सिलेक्शन अलग अलग है, ठीक है। सिक्स्थ खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि चेन्नई में होने वाला है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए बिहार के बच्चों का भी नाम चयनित किया गया है। गतका एसोसिएशन ऑफ बिहार के बच्चे बीते कई दिनों से लगातार कड़ी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। वहीं गतका एसोसिएशन ऑफ बिहार के कोच सूरज कुमार शर्मा ने बताया कि हमारे बच्चे लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि इस बार बिहार के लिए यह बच्चे अवश्य मेडल लेकर आएंगे। गटका की तैयारी बच्चे लोग कर रहे हैं, कहाँ की तैयारी है इसमें? सर ये खेलो इंडिया यूथ सिक्स एडिशन जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं, जो चेन्नई में होने वाली है, उसकी तैयारियां चल रही है सर। टीम फरीसोटी इवेंट जो है उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है सर। कितने बच्चे की तैयारी है सर? यहाँ पे तैयारियां तो चल रही हैं सर, करीब करीब 30-35 बच्चों की चल रही हैं, उनमें से हम लोगों को सेलेक्ट करना है 3 बच्चों को सर। क्या लगता है इस वक्त तैयारियों को देख कर कि आएगा मेडल आएगा? तैयारियां हमेशा ही बरकरार रहेगी, हमेशा ही ऊपर तक रहेगी और बिल्कुल कोशिश रहेगा सर कि मेडल आएगा। अब खेल के माध्यम से भी नौकरी मिलने जा रहा है? जी सर, जैसे कि सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर आप किसी भी तरीके का नेशनल गेम, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, अगर इसमें मेडल भी ले आते हैं तो आप लोगों को सरकारी नौकरी मिलना ही मिलना है। एक उम्मीद जागा है आप लोग? हाँ सर, ये जैसे कि बाकी स्टेट्स में भी ये सब चीज़ें थी, पहले खेल को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक थे लोग, अब बिहार में भी सर जागरूकता बढ़ रही है। हमारे डिफरेंट स्टेट्स, अपने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट तरीक़ों के गेम्स की तैयारियाँ चल रही हैं, जिसमें से गतका भी है सर। इसमें भी आगे अगर बच्चों ने अच्छा किया तो लोगों को भी सरकारी नौकरी मिलेगी सर। पूरा परिचय अपना देंगे सर? मेरा नाम सूरज कुमार शर्मा है, मैं कोच गटका एसोसिएशन ऑफ बिहार का।